हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स रिकॉर्डेड आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक खुशखबरी दी है उन लोगों को जो लोग अभी रिसेंटली एक डेढ़ साल के अंदर रिटायर हुए ख़ास तौर पर वो जो लोग फर्स्ट जनवरी 2020 से लेकर थर्टियथ ऑफ जून 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं जैसे कि आप जानते हो कि इस पीरियड के दौरान हमारा डी के ऊपर रोक लगी हुई थी और जो डी हमारा फर्स्ट जनवरी को था सेवनटीन थर्टियथ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक वही डी ए था लेकिन जो लोग इस बीच में रिटायर हो गए थे उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था बिकॉज उनकी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन उनकी लीव एंड कैचमेंट की कैलकुलेशन वो सेवनटीन परसेंट डी ए के हिसाब से हो रही थी तो अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सीन दिया है और बताया है कि हमारे हिसाब से कैलकुलेशन फोर परसेंट डी ए फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन का था फर्स्ट जुलाई 2021 को 3% परसेंट और इंक्रीज हुआ और फर्स्ट जनवरी 2021 ट्वेंटी वन तक फोर परसेंट और तो इसके हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि आप अब जब लीव एनकेशमेंट और ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करेंगे तो जो लोग फर्स्ट जनवरी 2021 20 से लेकर फर्स्ट जनवरी 2020 से लेकर थर्टी जून 2020 तक रिटायर हुए हैं उनकी कैलकुलेशन 21% डीए परसेंट के हिसाब से करेंगे जो जुलाई से लेकर दिसंबर 20 तक के बीच में रिटायर हुए हैं, उनकी 24% फोर परसेंट डी के हिसाब से और जो फर्स्ट जनवरी से लेकर जून तक रिटायर हुए हैं उनकी 28% परसेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे अब क्वेश्चन उठता है कि कैलकुलेशन होती कैसे है तो हम बात कर लेते हैं दो कैलकुलेशन करनी है हमें पहली कैलकुलेशन करते हैं लीव एंड की लीव एन कैशमेंट जो मिलती है मैं सुपर एनोवेशन पे जो रिटायर हुए हैं यानी कि जो 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं उनकी कैलकुलेशन करूंगा तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उनके अकाउंट में ई एल होती है या एच पी एल होती है उनका एनकैशमेंट होता है मैक्सिमम एनकैशमेंट 300 डेज का होता है और उसके अंदर भी सबसे पहले कैलकुलेशन होती है ई एल की और उसके बाद एचपीएल की कैलकुलेशन होती है तो मैं अभी एचपीएल को ले ही नहीं रहा हूं मैं सिर्फ यह प्रज्यूम कर रहा हूं कि उस ऑफिसर के अकाउंट के अंदर 300 डेज की ई एल अवेलेबल है 300 डेज का मतलब अगर रफली कैलकुलेट करें तो ये बनते हैं आपके 10 मंथ्स क्या बनते हैं 10 मंथ्स तो कैसे कैलकुलेशन होती है एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं मान लीजिए किसी की बेसिक पे बेसिक पे मतलब पे इन द पे लेवल फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है जब वो रिटायर हो रहा है तो पहले जो डीए होता था डीए की कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी वो कैलकुलेशन होगी सेवनटीन परसेंट के हिसाब से जो बनेगा एटी फाइव हंड्रेड ये किसके हिसाब से है सेवनटीन परसेंट के हिसाब से और अभी जो है डीए उसकी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी उसके हिसाब से होगी ट्वेंटी एट परसेंट के हिसाब से जो बनता है फोर्टीन थाउजेंड तो अगर हम पुरानी डीए के हिसाब से एमोल्यूमेंट कैलकुलेट करें तो पुराने डीए के हिसाब से मैं ओल्ड और न्यू दोनों बना देता हूं ओल्ड के हिसाब से जो एमोल्यूमेंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं फिफ्टी थाउजेंड प्लस एट्टी फाइव हंड्रेड यानी कि फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड और न्यू के हिसाब से जो बनेंगे वो बनेंगे फिफ्टी थाउजेंड प्लस फोर्टीन थाउजेंड ट्वेंटी एट परसेंट के हिसाब से किया है, तो ये बन गए सिक्सटी फोर थाउजेंड तो अगर हम ये वन मंथ का अगर मैं टेन मंथ की कैलकुलेशन करूं तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है एक जीरो एक्स्ट्रा कर लीजिए यानी कितना हो जाएगा फाइव लैख एंड रुपीज ये उनको ऑलरेडी मिल चुका होगा जबकि उनको मिलना कितना चाहिए था अगेन इसके अंदर एड कर लीजिए क्योंकि आपको टेन मंथ का निकालना है सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड तो आप देखिए लगभग लगभग आपका फिफ्टी फाइव थाउजेंड का बेनिफिट बन रहा है इनका जो इनको एक्स्ट्रा मिलेगा किसके नाम पे लीव एंड कैशमेंट के नाम पे एंड अगेन टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री कोई टैक्स इसके ऊपर देने की जरूरत नहीं होती है इनको टर्मिनल बेनिफिट्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है अब हम दूसरी बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ग्रेचुटी की कैलकुलेशन भी चेंज होगी इसी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं ग्रेचुटी भी आपकी दो चीजों पर डिपेंड करती है एक होता है आपका लेंथ ऑफ सर्विस जो कि इस ऑर्डर के हिसाब से किसी की चेंज नहीं हुई है बिकॉज वो तो आपकी वही रहेगी और दूसरा एमोल्यूमेंट्स एमोल्यूमेंट्स कोर्स चेंज हुए हैं बिकॉज एमोल्यूमेंट्स के अंदर दो चीजें आती हैं आपकी बेसिक पे जो कि वही की वही रहेगी और डीए जो कि चेंज हो गया है लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से अगर किसी की सर्विस थर्टी थ्री ईयर्स और मोर है तो उसके हिसाब से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जितने भी एमोल्यूमेंट है ना आपके जो भी एमोल्यूमेंट आए ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 16.5 से साढ़े सोलह मंथ 16.5 मंथ के एमोल्यूमेंट के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होती है तो अगर उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं ओल्ड एमोल्यूमेंट कितने बन रहे थे चेक करिए और न्यू एमोल्यूमेंट कितने बन रहे थे हमारी जो ऊपर कैलकुलेशन हुई थी मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको ओल्ड एमोलमेंट बन रहे थे हमारे फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड और न्यू बन रहे थेमेंट तो हमारे पुराने बन रहे थे और नए बने हैं 64,000 तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्सटीन पॉइंट फाइव से ये आपका ओल्ड कैलकुलेशन हो जाएगी और इसको 16.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यह आपकी न्यू कैलकुलेशन हो जाएगी तो आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं अपने आप मल्टीप्लाई करिए निकालिए और जो आपका डिफरेंस डिफरेंस है, ये आपको मिलेगा एज अरियर और उसके अंदर भी आपकी टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे से पूछें अगर किसी की सर्विस थर्टी थ्री ईयर से कम है तो कैलकुलेशन कैसे होती है तो हम करते हैं उनका एस एम पी निकालते हैं मैं एस एम पी निकालने का पूरा भी आज नहीं बताऊंगा एक रफ आइडिया दे देता हूं सिक्स मंथली पीरियड होते हैं यानी कि अगर इन किसी की सर्विस थर्टी ईयर्स की है तो उसके एस एम पी कितने बनेंगे उसके एस एम पी बनेंगे सिक्सटी डबल कर दीजिए बस ठीक है बाकी इसके अंदर मंथ और डेज का भी कैलकुलेशन होता है मैं इतना अभी उसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अगर कोई सुपर एनिवेशन पर रिटायर हो रहा है तो जनरली हम ये उम्मीद करते हैं कि वो थर्टी थ्री से ज्यादा की सर्विस कर चुका है तो उसकी कैलकुलेशन में ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन अगर किसी की कुछ एक दो साल कम पड़ रही है तो उसका फॉर्मूला ग्रेचुटी निकालने का होता है वन बाय फोर एमोल्यूमेंट्स जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एस एम पी फिर बोल रहा हूं इस फॉर्मूले की जरूरत सिर्फ उनके लिए पड़ती है जिनकी सर्विस थर्टी थ्री ईयर से कम की है अदरवाइज नहीं पड़ती है दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है वो ये है कि अगर किसी की ग्रेचुटी ऑलरेडी ट्वेंटी लाख को क्रॉस कर गई थी उनके लिए इस ऑर्डर में कुछ नहीं है बिकॉज मैं ग्रेचुअुटी की बात कर रहा हूँ ग्रेचुटी के हिसाब से कुछ नहीं है क्योंकि ग्रेचुअटी की मैक्सिमम लिमिट आज के दिन में ट्वेंटी लैक्स है हाँ लीव एनकैशमेंट का उनको फर्क पड़ेगा क्योंकि लीव एनकैशमेंट की कोई भी अपर कैप नहीं है सो so, ये था आपका आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और रिकॉर्डेड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं उसकी आईडीज सामने लिखी हुई हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच